और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम इंग्लिश टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चेंज करना सीखेंगे इनपेज में। इंग्लिश टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए मैं इनपेज को ओपन करता हूँ। इससे प्रीवियस लेसन में हमने उर्दू के ऊपर काम किया था, उर्दू टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज करना सीखी थी। आज के लेसन में हम इंग्लिश टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चेंज करना सीखेंगे। इंग्लिश टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ से इंग्लिश यहाँ पे उर्दू पे क्लिक करूंगा तो ये इंग्लिश टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा। और इंग्लिश टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद फॉर एग्जाम्पल। ओके, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप इस पे जो काम करने क्या है कि इसकी जो यहां से देखें तो इसकी जो अलाइनमेंट चेंज करनी है तो आप यहां पे क्लिक करें, सेंटर पे करते हैं, जस्टिफाई पे क्लिक करें, जस्टिफाई हो जाएगा। और इसे अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो पूरे पेज पे लाना चाह रहे यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो स्टाइल यहाँ पे नॉर्मली रहेगा ऑटो में, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर आप इसका इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो कम करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट, एंटर, ओके। अब ये जो मैंने इसको टेक्स्ट लिखा है सारा, अब इसको सिलेक्ट करके इनकी लाइन स्पेसिंग कम करना चाह रहा हूं तो यहां पे देखें नीचे वाले यहां पे जो है तो जीरो मीन आपके पास यहां पे जीरो, इसको ज्यादा करना चाह रहे हैं आप, बढ़ाना चाह रहे हैं तो जीरो से जब मैं टेन करता हूं देखें ज्यादा बढ़ रहा है। मैं इसे 50 करता हूं देखें बहुत ज्यादा इसमें लाइन स्पेसिंग बढ़ रही है। और इसी तरह मैं इसे 100 करता हूं तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको नॉर्मल अगर आप जीरो करते हैं जीरो ऐसी रहेगी, अगर आप देखें जीरो लाइन स्पेसिंग यहाँ पे ऐसी है। अब इसको और भी ज्यादा करीब करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको करीब कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे ये जो ऑटो है इससे आप अपनी लाइन स्पेसिंग कम कर सकते हैं और इससे यहाँ अपनी लाइन स्पेसिंग जो बढ़ा सकते हैं। ऑटो से मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो देखें 10 आ गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा आपस में जुड़ गए। 20 करता हूँ थोड़े से लूज हो गए, 50 करता हूँ थोड़े से और हो जाएंगे। अब मैं इसको 40 करता हूँ फॉर एग्जाम्पल तो देखें ये करीब हो गए। और मैं इसे 45 करता हूँ, सॉरी 35 करता हूँ इसको मैं, तो देखिए और करीब हो गए। तो यहाँ से आप इसका जो है तो लाइन स्पेसिंग बढ़ा, यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग इसका कम कर सकते हैं और यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। इसको अगर आप ऑटो करेंगे तो ये अपना ऑटो ही रहेगा। इसके अलावा आप यहाँ से राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप राइटिंग स्टाइल यहाँ पे क्लिक करके आप इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हर्सन राइटिंग स्टाइल में आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो यहां से ऐड कर सकते हैं। डिलीट हो गया तो कंट्रोल जी प्रेस करने से ये दो तीन बार प्रेस अगर आपने ज्यादा डिलीट वो चीज कर दिए तो फिर वापस जो है तो मुश्किल से आता है यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल ये होता है शॉर्ट मोड होता है सिलेक्ट आर की, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लें यहाँ से इस तरह कंट्रोल ए से पूरा पेज सिलेक्ट हो जाता है। तो इन पेज उर्दू में कुछ चीजें एडिट दे देती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि पाकिस्तानियों ने बनाई सॉफ्टवेयर, इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जैसे कि मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से देखें तो इसका ये चीजें खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब हालांकि टेक्स्ट का स्टाइल एक है सब कुछ एक है लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए इसमें। अब यहाँ से इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, टाइम न्यू रोमन पे करता हूँ तो टाइम न्यू रोमन आ जाएगा और यहाँ से इस तरह आप इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर करेंगे तो ये बेसिकली उर्दू के लिए होता है तो देखें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख सकते हैं। राइटिंग कलर चेंज करना है तो रेड करना चाहते हो देखिए रेड हो जाएगा कलर।
इसी तरह अगर आप राइटिंग का जो है तो येलो करना चाहते हैं तो येलो हो जाएगा। कोई भी आप राइटिंग स्टाइल का राइटिंग कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, तो मैं नॉर्मल को भी फिलहाल ब्लैक ही रहने देता हूँ। इसी तरह आप इसको जो है तो बोल्ड करना चाह रहे हैं तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा। अटैलिक पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, और अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इसको मूव कर सकते हैं, और आप जब टाइपिंग करेंगे तो वो भी यहां से मूव, आपकी टाइपिंग भी वहीं से स्टार्ट होगी। अभी आप बस यहां से टाइपिंग स्टार्ट होगी और अभी यहां से करते हो तो ये इस साइड से स्टार्ट होगी। यहां से आप इसका जो है तो साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, नॉर्मल 12 होते हैं, आप जितना मर्जी आप रखना चाहें रख सकते हैं, 14 है, 24 करते हैं 24 आ जाएगा। अंडरलाइन अटैली खत्म करना चाह रहे हैं क्लिक करेंगे अटैली खत्म हो जाएगा, अंडरलाइन पे क्लिक करें अंडरलाइन भी सॉरी बोल्ड जो है तो वो भी खत्म हो जाएगा। अंडरलाइन करना है तो नन यहाँ पे दिया हो तो यहाँ पे आप सिंगल पे क्लिक करें तो एक लाइन इसके अंडर इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, देख सकते हैं आप, और डबल करेंगे तो डबल लाइन आ जाएगी, और यहाँ से बॉक्स पे क्लिक करें तो बॉक्स आप बना हुआ आ जाएगा इस तरह, और बॉक्स के बाद आप यहां से देखिए पैटर्न करते हैं तो पैटर्न आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा मेन टेक्स्ट आपका। तो आप ये सारी चीजें इस पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं करनी तो आप यहां पे नन पे क्लिक करें तो आपका टेक्स्ट नॉर्मल ही वापस आ जाएगा। इसके अलावा यहां पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद यहां से जो है तो इसमें अगर आप इससे ज्यादा करीब करना चाह रहे हैं तो आप यहां से फॉर एग्जांपल 0 है तो उसे मैं 10 करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये ज्यादा लूज हो जाएगा, जैसे कि 10 क्या देखिए लूज हो गया, हर एक कैरेक्टर वर्ड आपस में लूज हो गया। 0 करता हूं 0 ही रहेगा, और यहां से अगर आप ज्यादा लूज करना चाह रहे हैं तो आप यहां से लूज कर सकते हैं, जैसे कि 100 mm 50% करता हूं तो देखिए बहुत ज्यादा करीब हो गया आपस के, और इसी को अगर आप 100% करते हैं तो 100% में आपस ऐसा आ जाएगा। तो आप यहां से लूज भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को और आप जो है तो इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।